हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। एक्सी अच्छे होंगे और आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 9.2 प्रश्न 9.2 चैप्टर आपका 9 अवकल समीकरण चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपको अगर हम बात करें कि क्या करना है, फर्स्ट नंबर जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है वाई के फॉर्म में और उसको हमें क्या प्रूव करना है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो। और जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन ऊपर देखो क्या लिखा है, 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट है, संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, स्पष्ट मतलब सिंपल हमको क्या बता दें कि ये जो हमें समीकरण दे रखा है, ठीक है, इसको हल करने पर अगर हमारा ये प्रूफ हो जा रहा है, सिद्ध हो जा रहा है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर जीरो, तब हम क्या लिखेंगे कि ये क्या स्पष्ट रूप से अवकल समीकरण का हल है। यानी इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा तो हम लिखेंगे अवकल समीकरण का हल है। क्लियर है, इतना सा काम करना है अब। और एक बात करें कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं इस पूरी मैथ की बुक में, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर बोल रखा है कि हमें करना है क्या है, एक बार डबल डिफरेंशिएशन करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। यानी पहले हम वाई डैश कर लेंगे, फिर वाई डबल डैश कर लेंगे, इनका जो मान आएगा उसको हम इस समीकरण में रख देंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका क्या बोला है, अवकल समीकरण बोला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन आप चैप्टर 5 में 6 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो समीकरण हमें दे ही रखा है वाई बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे कुछ हमको अलग से नहीं करना है, पूरा काम वही करना है जो हम पीछे करते आ रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। और बिल्कुल बेसिक दे रखा है डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। तो सिंपल जो हमें समीकरण दे रखा है वो हमने देख लिया है, बराबर में हमको क्या लाना है वो देख लिया है, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी वाई बट्टे डीएक्स बराबर। अब आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं सब कुछ, डिफरेंशिएशन करना ई की पावर एक्स का हो जाएगा बच्चों, ई की पावर एक्स ही रहेगा। जब हम एक का डी वाई डी एक्स करेंगे तो एक का हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब डी वाई बटे डी एक्स को हम पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं, वाई डैश लिख सकते हैं बराबर में ई की पावर एक्स, ये हमारा आ गया। ठीक है, किसका, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर। यहां तक क्लियर है, अब एक बार डिफरेंशिएशन तो करना ही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डबल डिफरेंशिएशन भी करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम दोबारा क्या लिख देंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं दोबारा से कि जो हमें क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो जहां वाई डैश है बच्चों वो क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश बन जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश। और ई की पावर एक्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन, अगर हम इसका जितनी भी बार करें तो वो आएगा ई की पावर एक्स ही रहने वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर हो गया, अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर एक, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर दो। ठीक है, और अगर हम बात करें सीधा सीधा कि समीकरण दो में से हम समीकरण एक को घटा दें, ठीक है, समीकरण दो, या फिर हम क्या कर ले, सीधा सीधा मान यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, या फिर लिख लेते हैं समीकरण दो में से, समीकरण दो में से, क्योंकि यहाँ पर देखो y डबल डैश है, माइनस कर रखा है यानी घटा रखा है किसको, y डैश को, तो हम वही कर लेते हैं, इसकी समीकरण दो में से समीकरण एक को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा वाई डबल डैश जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वाई डबल डैश ई की पावर एक्स है समीकरण दो में, घटाना है माइनस, और समीकरण एक क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स है। देखो ये बन गया हमारा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू आ गया क्या, जीरो। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यानी वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो आ गया जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अवकल समीकरण वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर जीरो का हल है। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे, ये आप सभी में रिपीट करते चलेंगे कि
अवकल समीकरण क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश बराबर जीरो का हल है, का हल है। ये हमको लास्ट लाइन लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर क्या दिखाना था, y बराबर e टू द पावर x प्लस वन को लेकर क्या आना था, ठीक है, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर जीरो प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को सॉल्व किया और लास्ट में हमने बता दिया कि ये जो अवकल समीकरण है ये y डबल डैश माइनस y डैश बराबर जीरो का हल है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो होता है कंप्लीट। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए। मेन आपको ध्यान रखना है इधर वाली इक्वेशन पर, इस पर ध्यान रखना है, इसको देख करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हमको कुल मिलाकर के ये चीज बनानी है सिंपल से अगर हम बोले तो। सेकंड नंबर पर लेके चलता हूँ, सेकंड नंबर बच्चों आपके सामने है और ये भी आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, बहुत ईजी है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसमें देखो हमको क्या कहा है, अगर हम ध्यान से देखें, वाई दे रखा है समीकरण, जो दे रखा है अवकल समीकरण वो दिया है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। सी आपको पता है कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है हमारे डिफ्रेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन में, ठीक है, और इधर हमको दे रखा है वाई डैश, वाई डैश का मतलब हमें एक बार तो डिफ्रेंशिएशन करना है, और माइनस टू एक्स है माइनस टू, ठीक है, यानी अब हमको ये कुल मिलाकर के ये समीकरण बनाना है, ठीक है, बराबर में जीरो आना चाहिए। तो पहले हमको एक बार डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला, हम यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका कर देते हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे वही एक्स है हमारे पास इधर राइट साइड में, तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका वाई डैश, एक्स स्क्वायर का करेंगे बन जाएगा बच्चों टू एक्स, क्यों, फॉर्मूला हमारा क्या होता है अगर हम बेसिक में जाएं तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है बच्चों, जो x टू द पावर n है वो बन जाता है आपका n x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, x टू द पावर n है ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है n x टू द पावर n माइनस वन डिफरेंशिएशन में, तो ये बन जाएगा आपका 2x, फिर प्लस 2x का करेंगे बन जाएगा आपका 2, और c आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू ये बन जाएगी 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको y डैश दिख रहा है, ये y डैश दिख रहा है, माइनस टू एक्स है माइनस टू है, अब इस प्लस टू एक्स को मैं बराबर के इधर ले आऊं तो माइनस टू एक्स बन जाएगा, प्लस टू है इसको बराबर के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे माइनस टू बन जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या रह जाएगा जीरो। यहाँ तो हमारा एक लाइन में इसका आंसर खत्म हो जाता है। तो सिंपल हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, वाई डैश हो गया प्लस टू एक्स है बराबर के इधर लेके आएंगे माइनस टू एक्स, प्लस टू है बराबर के इधर लाएंगे माइनस टू, इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया जीरो रह गया। और यही अगर हम देखें ऊपर जो हमको दिखाना था आ चुका है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे कि लास्ट लाइन जो हमें इक्वेशन दे रखी थी y बराबर एक्स स्क्वायर है हमारे पास ऊपर, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा अवकल समीकरण था, अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो का हल है। अगर नहीं आता तब हम लिख देते कि हल नहीं है, का हल है। यहां पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल हमको ये दिखाना था कि इसको मॉडिफाई या फिर सॉल्व करने पर ये हमारा आ रहा है तब तो इसका हल है, नहीं आ रहा तब हम लिखेंगे हल नहीं है। क्लियर है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है आपको y बराबर दे रखा है आपके पास cos x plus c, यहाँ पर आप y डैश देख रहे हैं यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का sin x है बराबर जीरो, यहाँ पर भी सिर्फ आपको एक बार ही क्या करना है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो सेम वही लाइन रिपीट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों क्या y डैश cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों प्लस साइन x या माइनस साइन x, तो ये हो जाता है बच्चों आपका माइनस साइन x, ठीक है, प्लस c का करेंगे तो ये आपका बन जाएगा जीरो।
अब इक्वेशन अगर हम देखें प्लस साइन एक्स है, अब है कि अगर हम इसको प्लस माइनस साइन एक्स है लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो बराबर के इधर माइनस से ही हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और इधर बचता है हमारे पास क्या जीरो। यानी हम जब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया तो देखा जो हमें चाहिए था वो हमारा बन चुका है, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन आपने क्या रिपीट करनी है कि वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी, अवकलन अवकल समीकरण का, ठीक है, अवकल समीकरण का वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर जीरो का हल है। जैसे अभी तक हम पीछे रिपीट करते आ रहे थे, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, अवकल समीकरण डालना है, फिर आपने जो प्रूफ किया है ठीक है वो लिखा का हल है लिख देना है, खाली टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल आपने क्या लिखना है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होगी अवकल समीकरण का वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर जीरो का हल है, ठीक है, अवकल समीकरण इसका हल है। क्लियर कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको यहाँ पर अगर हम देखें वाई डैश दे रखा है, ठीक है, वाई डैश यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है और हमको बराबर में दिखाना है एक्स वाई बटने में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखाना है। तो इसको भी आप इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो पहले तुमको सिर्फ एक बार क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे, तो देखो वाई बराबर हमने लिख लिया और ये है आपका रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कह रहा हूँ मैं, रूट हटेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट जो आपका रूट लगा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, जब हम रूट हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं घात में कितना, एक बट्टे दो। अभी आपका फॉर्मूला बन गया एक्स टू दी पावर एन, क्या होता है फॉर्मूला एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इस फॉर्मूले का यूज हमने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये आपका बन जाएगा वाई डैश यानी डी वाई बटे डी एक्स। अब जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एन सामने आ जाएगा यानी एक बट्टे दो आ जाएगा सामने, फिर आपका रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस का एक बट्टे दो। अब माइनस का एक बट्टे दो कैसे बना, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ है देखो हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, एक बट्टे दो एन माइनस वन है ना, देखो एन माइनस वन तो एक बट्टे दो, एन का मान तो एक बट्टे दो है, माइनस वन करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हर बराबर करके तो दो आ जाएगा, एक फिर माइनस दो, इस दो की गुणा इस एक के साथ हो जाएगी तो दो एकम दो, तो माइनस दो प्लस वन तो आ जाएगा माइनस का एक बट्टे दो, क्लियर है। अब इसमें अगर हम चलें नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है कि जो ऊपर है, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो देखते हैं क्या आता है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, ये तो हमने कर दिया किसका, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर उसके बाद हमको पता है कि इस वन प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो इस लाइन को भी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो माइनस में है, आपको पता है अगर एक्स की घात माइनस वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे एक्स लिख सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर देखो आपका क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा बट्टे में, देखो एक बट्टे दो जो सामने है, वन प्लस एक्स स्क्वायर की घात में माइनस एक बट्टे दो, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखो माइनस में नीचे आएगा प्लस बन जाएगा, अब इसकी घात में कितना है, एक बट्टे दो है, ऊपर था माइनस एक बट्टे दो, नीचे आ गया प्लस एक बट्टे दो, फिर हम इस एक बट्टे दो को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। फिर हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन का हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा बच्चों कितना, तो एक्स, क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखो अब आपका बन जाएगा टू एक्स और ये मल्टीप्लाई में बट्टे में आ जाएगा दो, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में हमारे पास वाई डैश रहेगा कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं,
इस दो से ये दो हो जाएगा कट, बचा हमारे पास क्या, एक्स बट्टे में रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। अभी तक देखो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए y डैश हमारे पास आ गया है, और बात करें देखो एक्स वाई और बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर, बट्टे में हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर तो है बट रूट के अंदर है, ऊपर हमारे पास x भी आ गया है, मतलब एक तो हमको यहाँ से हटाना है रूट हटाना है और एक हमको चाहिए y। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको जो दिमाग चलाना है वो क्या है कि नीचे से हमें रूट हटाना है, ठीक है, और ऊपर हमें चाहिए y। अब देखो यहाँ पर y का मान है हमारे पास रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है, और अगर मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में 1 प्लस x स्क्वायर से गुणा और भाग करा दूँ, ठीक है, देखो हमने क्या किया, बस ये क्वेश्चन से आपको पूरा हिंट मिल जाता है। देखो ऊपर चाहिए y, y का मान है कितना रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, देखो इसका इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख लेंगे, इस रूट की मल्टीप्लाई इस रूट से कराएंगे तो ये पूरा रूट हट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर। तो जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ऊपर हमें पूरा हिंट दे रखा है, बस वही हमने यहाँ पर करते चलना है। देखो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंश व हर में रूट में 1 प्लस x स्क्वायर से गुणा कराने पर, या फिर समीकरण में रूट में 1 प्लस x स्क्वायर से गुणा व भाग कराने पर। तो देखो ये आपका बन जाएगा x, और रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, इसको मैं इधर साइड में दिखा देता हूँ, रूट में 1 प्लस x स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है क्या, बराबर में y दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बन जाएगा ये आपका ऊपर y आ जाएगा, बट्टे में रूट से रूट आपका खत्म हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट जब आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बन बचेगा क्या 1 प्लस x स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, शो करना था, दिखाना था कि y डैश बराबर में एक्स वाई बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर लाना है, यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो y बराबर रूट में, y बराबर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर जो अवकल समीकरण है इसका एक हल है, ठीक है, समीकरण का हल है, कंप्लीट हो गया। लास्ट लाइन अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण क्या है, हल है, बस इतनी लाइन आपने लास्ट में रिपीट कर देनी है, और कोई डाउट आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो एक लाइन में आप लोग के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर कि दिया हुआ फलन, लास्ट लाइन आपने यहाँ पर रिपीट कर देनी है, दिया हुआ फलन, दिया हुआ फलन, पहले भी आपको एक बता चुका हूँ, आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे लिख सकते हैं, दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, संगत अवकल समीकरण का हल है, बस ये लाइन आपने यहाँ पर लास्ट में लिख देनी है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, अगर हम देखें दोनों क्वेश्चन को ही देखें कि y बराबर ax दे रखा है, डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे क्लियर है कि एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है, बराबर में हमको मल्टीप्लाई में x दिखाना है, बराबर में इधर y दिखाना है, तो पहले तो बिना कुछ सोचे समझे एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि y डैश दे रखा है, बिना सोचे समझे एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर देना है। तो जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, x है तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष फलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, आप पूरा चाहे तो लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा आपका y डैश बराबर में, y डैश बन गया, उसके बाद बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, a बताओ, a क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, एक आपका बाहर निकल जाएगा, और जब हम x का d बाई डी एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, यहां से देखो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, a कांस्टेंट है, मतलब एक हम इसको क्या मान लेते हैं, अचर पद मान लेते हैं, और x का जब हम d बाई डी एक्स करेंगे, देखो d बट्टे डी एक्स इसका x का, तो dx बट्टे डी एक्स बराबर कितना आ जाता है, एक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक, ठीक है। यहां से अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो a है, a का मान निकालते हैं, यहाँ पर एक चीज और आपने समझनी है, ठीक है, y डैश बराबर आ गया, सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना है, y डैश कर देना है, y डैश बराबर हमारे पास कितना आ गया, a इंटू 1 आ गया, ठीक है, और समीकरण 1 से अगर हम a का मान निकाले, यहाँ से देखो समीकरण
एक से अगर हम एक का मान निकालें, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण एक, ऊपर मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और y बराबर ए एक्स दे रखा है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं y बराबर ए एक्स, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ से मैं a का मान निकालूं तो a बराबर क्या बन जाएगा आपका, y बट्टे x बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर एक, अब a की जगह पे, इस a की जगह पे अगर हम y बट्टे एक्स रखेंगे तो यहाँ पे देखो लिखेंगे a का मान समीकरण एक से, a का मान समीकरण, एक बार डिफरेंशिएशन दिया था वो हमने कर लिया, एक का मान समीकरण एक से, तो एक का मान देखो अभी हमारे पास है वाई डैश बराबर, एक का मान है हमारे पास वाई बट्टे एक्स, ठीक है, बट्टे में एक्स है, इसको ले आएंगे गुणा में, तो ये बन जाएगा एक्स वाई डैश बराबर में वाई, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था या फिर दिखाना था, ठीक है। तो लास्ट लाइन यहाँ पर आपने रिपीट कर देनी है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का क्या है, हल है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहां पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं, सिंपल हमको यही प्रूफ करना था कि दिया हुआ जो फलन है वो संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। अब देखो हमको नहीं पता था कि ये एक बार डिफ्रेंशिएशन दे रखा था, ये हमको क्लियर था, अब हमको चाहिए यहाँ पर y चाहिए बराबर में और इधर x चाहिए, तो जब हमने समीकरण देखा जो हमें दिया हुआ था अवकल समीकरण दे रखा था, वहां पर अगर हम a का मान निकाले तो y बटे x बन जा रहा था, तो बस उसी से थोड़ा सा हमने लॉजिक लगाया और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दिखाना है y बराबर एक्स साइन एक्स बराबर में आ जाएगा एक्स वाई डैश, ठीक है, और उसके बाद बात करें एक्स वाई डैश बराबर में वाई प्लस एक्स, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी, और अब तक का इजी क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, सिंपल देखो एक काम हम क्या कर सकते हैं, देखने से ही हमको यहाँ पर क्लियर है कि एक बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन तो करना है, बट जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो आप बाद में भी कर सकते हैं जब आपको लगेगा कि हाँ इसकी जरूरत है, ठीक है, तो वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, साइन एक्स का मान निकाल लेते हैं, बाद में भी निकालना पड़ेगा अभी भी निकालना पड़ेगा, तो अभी आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको लगेगा कि क्यों निकाल रहे हैं ना, तो आप अभी इसको समझ लीजिए कि हमने निकाला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं साइन एक्स का मान निकाल लेता हूँ, साइन एक्स बराबर आपका बन जाता है वाई बट्टे एक्स, इसको मैं समीकरण एक मान के इधर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, अभी भले ही आप इसको मत देखो कि हमने निकाला नहीं निकाला, क्यों निकाला ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन है तो लिखेंगे यहाँ पे वाई बराबर एक्स साइन एक्स, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप रहता है एक्स के सापेक्स अवकलन, एक्स के सापेक्स क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये आपका बन जाता है वाई डैश, यहाँ पर देखो पहला दूसरा आप किसी को मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम साइन एक्स को पहला मान लेते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा, फिर साइन एक्स का क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, साइन एक्स का बच्चों क्या होता है कॉस एक्स हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने जो हमें समीकरण दे रखा था प्लस अवकल समीकरण दे रखा था उसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन तो सिर्फ एक बार है, अब हमको जो भी चेंज करना है वो इसी समीकरण में करना है, और हमको ये जो इक्वेशन दे रखी है ये हमको लानी है। अब इसको लाने के लिए यहाँ पे हमने देख लिया साइन एक्स का मान क्या है वाई बटे एक्स, यानी जहां पर साइन एक्स है वहां पर हम वाई बटे एक्स तो रखेंगे ही रखेंगे, इसलिए हमने ऊपर क्या निकाला साइन एक्स का मान निकाल दिया, क्योंकि हमें जो इक्वेशन हमें लानी है ये जिसमें हमको दिखाना है कि इसका हल है, वहां पर कहीं भी हमको समीकरण में ना साइन दिख रहा है ना कॉस दिख रहा है, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें हमको हटाना है यहाँ से साइन और कॉस एक्स को हटाना है, ठीक है, इसको देख करके हम अपना जो सॉल्यूशन है वो करेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब काम है हमारा साइन और कॉस एक्स को हटाने का, तो देखो अभी हम वाई डैश को वैसे ही रखेंगे, इसको अभी कुछ नहीं छेड़ना है, साइन एक्स एक की गुणा वही कराएंगे तो अंदर वापस वाई साइन एक्स बन जाएगा, इसको हम एक जो कॉस एक्स है उसको क्या हम वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते क्या, आप बोलेंगे कि सर कैसे, तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन, ठीक है, अब देखो प्लस का साइन स्क्वायर है उधर जाएगा क्या हो जाएगा
माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। पूरा बेसिक बता रहा हूँ देखो इसमें कि कैसे हमने इसको चेंज किया, बन जाएगा स्क्वायर हटेगा, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा कॉस एक्स, और स्क्वायर हटेगा आपको पता है क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। देखो यहाँ पर कॉस एक्स था, कॉस एक्स हमने रख दिया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जो हमने ऊपर समीकरण एक बनाया है उसकी जरूरत अब हमको यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि हमको इक्वेशन यहाँ पर जिसका हल दिखाना है वहां पर कहीं भी हमको ना साइन दिख रहा है ना कॉस दिख रहा है, तो सिंपल हम लिखेंगे साइन एक्स का मान समीकरण एक से रखने पर, साइन एक्स का मान समीकरण एक से रखने पर, एक से रखने पर तो वाई डैश वैसे का वैसे रहा, साइन एक्स की जगह रखना हमने वाई बट्टे एक्स और प्लस एक्स आ गया, तो रूट में है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखना, देखो साइन की जगह हमने रखना है साइन एक्स की जगह वाई बट्टे एक्स, बट यहाँ पर हमने देखा है क्या साइन के साथ हमारे पास क्या है स्क्वायर भी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखो y बटे एक्स ऐसे रहेगा y डैश प्लस x भी हमने वैसे रखा। अब अगर हम जो स्क्वायर दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 माइनस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर, अब हर बराबर करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स, रूट में देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे के बट्टे में एक्स स्क्वायर, भिन्नों का जोड़ना घटाना तो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो ये बन जाएगा आपका वाई डैश बराबर में वाई बट्टे एक्स प्लस, अब देखो रूट में एक्स स्क्वायर है ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा ये एक्स बन जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इधर ये तो दोनों फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इधर भी x है इधर भी x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं क्या, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल ले सकते हैं, वही काम अब यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है y डैश आ गया हमारे पास ठीक है, एक बट्टे एक्स को हमने यहाँ से निकाला कॉमन, अंदर बचा हमारे पास वाई प्लस, और इधर हमारे पास क्या आ गया है एक बटे एक्स को, और हमें यहाँ से कॉमन निकालना है, अंदर हमारे पास बचेगा वाई बट्टे एक्स प्लस एक्स से एक्स हो जाएगा खत्म ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको ना करके, हम अगर मैं दोनों पक्षों में यहाँ पर थोड़ा सा डाउट्स रह जाएंगे आपके मन में, बट हम डाउट्स को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा एकदम बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में आपको हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, तो देख लेते हैं इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं और इसको इजी बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली, देखो यहाँ पे एक्स बट्टे एक्स, कई बच्चों के माइंड में रहेगा कि सर हम इसको काट भी तो सकते हैं एक्स बट्टे एक्स है ठीक है, तो अभी हम जो इसमें काम कर रहे थे कॉमन लेने का ठीक है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर एक्स चाहिए ही चाहिए, रूट में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको कट नहीं करना है, यही चीज मैं यहाँ पर एक जो आपके डाउट्स जो रह जा रहे थे उसको हमने क्लियर किया, तो एक्स को कट नहीं करना है, यहाँ से हमने सेम जो अभी हम कर रहे थे वाई डैश बराबर आ जाएगा एक बटे एक्स हमने कॉमन निकाला, अंदर बच्चा देखो आपके पास वाई प्लस यहाँ पर रह जाएगा आपके पास एक्स, रूट में बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या क्या बट्टे से एक्स हमने बाहर निकाल दिया, बाकी अंदर पूरा सेम टू सेम रह गया ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, अगला हमारा आ जाएगा देखो बट्टे में एक्स है, इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा एक्स वाई डैश बराबर में, इधर बचा हमारे पास वाई प्लस एक्स, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देख लेते हैं यही हमको लाना था क्या, देखो एक्स वाई डैश आ गया वाई प्लस एक्स रूट में, यही हमको लेकर के आना था, या फिर हमको बोल सकते हैं कि हमको सिद्ध करना, तो हम यहाँ पर सेम लाइन यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि दिया हुआ फलन, ये लाइन आपने यहाँ पर रिपीट कर देनी है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 xy बराबर log y प्लस c दे रखा है,
अगर हम इसका देखें सॉल्यूशन हमको क्या चाहिए, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देख लेते हैं इसका आंसर भी, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो सिंपल एक बार जैसे डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब कई बच्चों के मन में डाउट है कि सर यहाँ तो हमको दिख रहा है वाई, यहाँ भी लॉग वाई दे रखा है, तो हम एक्स के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? तो हमें चलना है किसके अकॉर्डिंग, जो इधर हमें समीकरण दे रखा है, ठीक है, जो हमको लाना है वहां पर हमको दिख रहा है वाई डैश, वाई डैश यानी डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी हमारा वाई डैश बनेगा, क्लियर है? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले को छोड़ा, दोनों मल्टीप्लाई में, तो पहले को छोड़ा दूसरे का, दूसरे को छोड़ा पहले का, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों के मन में डाउट रहेगा सर आप वाई को क्यों ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी वाई का करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स बन जाएगा यानी वाई डैश, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का यानी एक्स का डी वाई डी एक्स, लॉग वाई का करेंगे तो ये बन जाएगा आपको जो एक बट्टे वाई, फिर वाई का करेंगे बन जाएगा आपका वाई डैश, और उसके बाद प्लस सी है, सी का करेंगे बन जाएगा आपका क्या जीरो, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आपके सामने क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा हम लिखें, ये बन जाएगा इजिएस्ट फॉर्म है एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर में है आपके पास वाई डैश बट्टे में वाई, यहाँ तक क्लियर है? अब जो बट्टे में वाई है इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करा दें इधर, ठीक है, बट्टे से हटा करके कहाँ ले आए गुणा में, तो जब हम इसको गुणा में लाएंगे तो देखो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई, ये बन जाएगा आपका वाई एक्स वाई डैश बट्टे में था गुणा में ले, प्लस ये बन जाएगा यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर बराबर में वाई डैश, वाई डैश है इसको हम वाई डैश के साथ ले जाएंगे, तो इधर हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ये जो वाई डैश है वैसे रखा हमने, फिर ये जो है प्लस में इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा वाई एक्स वाई डैश, कॉमन बताओ क्या निकल रहा है यहाँ से, हमारे पास वाई डैश कॉमन है, वाई डैश कॉमन निकाला, इधर बचेगा हमारे पास एक माइनस एक्स वाई या फिर वाई एक्स लिख सकते हैं हम वाई डैश। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले वाई डैश बराबर के एक साइड रखेंगे और बाकी दूसरी साइड आ जाएगा, तो आ जाएगा देखो वाई स्क्वायर, अब ये देखो मल्टीप्लाई में है ये सब, तो इसको हम जब इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा बट्टे में, एक बट्टे सॉरी वाई स्क्वायर बट्टे में वन माइनस एक्स वाई बराबर में वाई डैश, जो हमको चाहिए था आ चुका है। तो लास्ट लाइन है यहाँ पे, हम रिपीट क्या करेंगे कि यह है अवकल समीकरण का हल है, यह है अवकल समीकरण का, यह है अवकल समीकरण का, यह अवकल समीकरण का हल है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें, सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन लाना है उसको देखते हैं हम, सबसे पहले तो y डैश दे रखा है यानी एक बार डिफरेंशिएशन होना है, बराबर में y है, अंदर है हमारे पास y साइन y प्लस कॉस y है प्लस x है, फिर y डैश है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, सिंपल जो हमको दे रखा है उसका हम एक बार क्या कर देते हैं, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, बाकी जो चाहिए होगा वो हम धीरे धीरे ले आएंगे अपने आप ही, वो आता रहेगा हमारे सामने, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा आपका देखो वाई डैश माइनस कॉस वाई का, बच्चों क्या होता है बताओ, कॉस वाई का बन जाता है आपका साइन वाई, ठीक है, अगर हम कॉस वाई का करते हैं खाली कॉस वाई माइनस को छोड़ दें, कॉस वाई का होता है आपका बच्चों माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई ये बन जाएगा प्लस साइन वाई, ठीक है, फिर उसके बाद इस वाई का करेंगे तो बन जाएगा आपके पास क्या वाई डैश, ठीक है, अभी हमने कॉस वाई का किया तो आ गया माइनस साइन वाई, माइनस माइनस अंदर बन गया प्लस साइन वाई,
बराबर में एक्स है, एक्स का क्या बन जाएगा बच्चों, वन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें कॉमन कुछ मिल रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मिल रहा है, क्या वाई डैश। तो वाई डैश से कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास वन प्लस साइन वाई बराबर में एक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब अगर हम चलें क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें लाना है, देखो क्या क्या आ चुका है हमारे पास, वाई डैश आ गया है, ठीक है, और हमको चाहिए क्या बराबर में वाई भी चाहिए, है ना। तो अगर हमें जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन जो हम देखें, समीकरण, अवकल समीकरण दे रखा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते। देखो अभी तक हमें इसकी जरूरत नहीं थी, जहाँ जरूरत पड़ी हम यहाँ से इसका समीकरण बनाएंगे, क्योंकि देखो y का मान भी यहाँ पे है ना, y बराबर में है, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का cos x है बराबर किधर आएगा, हो जाएगा प्लस का cos y, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। ठीक है, y बराबर x प्लस cos y आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अभी तक हमने क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है और उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, दोनों और वाई से गुणा करा दें, दोनों और क्या करने पर वाई से गुणा करा दें। क्यों? क्योंकि देखो अब किसी भी यहाँ पर हमें जो वाई का मान अभी हमने निकाला, वो हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं है जहाँ पे हम वाई का मान रख सकें, है ना। और अगर हम इसमें देखें, पूरे जो हमें प्रूफ करना है, वहां पर हमें वाई देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा इधर भी हमको वाई देखने को मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे, लिखेंगे दोनों और वाई से गुणा कराने पर, दोनों और जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन करते जाएंगे, जो हमको लाना है उसके अकॉर्डिंग, दोनों और वाई से गुणा करने पर। तो ये देखो बन जाएगा आपका वाई डैश। वाई पहले चाहे हम यहाँ लिखें या फिर अंदर मल्टीप्लाई करें, मैं सीधा अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। तो देखो ये बन जाएगा आपका वाई प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, बराबर में बन जाएगा आपका एक की जगह पे हमने क्या लिखना है वाई, क्योंकि लिखा है दोनों और वाई से गुणा कराने पर, करा दिया। फिर हमने क्या देखा है, वाई की जगह पर हमने समीकरण एक में मान निकाला है एक्स प्लस कॉस वाई, हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण एक से रखने पर, वाई का मान समीकरण एक से, वाई डैश वैसे ही रहेगा हमारा इधर, क्योंकि वाई डैश तो ऑलरेडी अगर हम देखें बाहर ही है इधर क्वेश्चन में, वाई डैश अंदर देखो वाई का मान है हमारे पास एक्स प्लस कॉस वाई, तो एक्स प्लस ये हमने वाई का मान रखा, फिर प्लस हमारे पास है वाई साइन वाई, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वाई साइन वाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई साइन वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो मान हमने वाई का रखा है, ठीक है, इस वाई का मान रखा, बच्चों के माइंड में है कि सर हमने इस वाई की जगह पर हमने क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, वाई साइन वाई चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करा है, वाई साइन वाई आ गया, और बराबर में है हमारे पास वाई। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब बच्चों का फिर वही क्वेश्चन रहता है कि सर हमने उधर वाई का मान रखा है, इधर भी तो हमको रखना चाहिए, बट हमको जो चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं ना, बराबर किधर वाई है, वाई रख दिया, फिर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स हमारे पास, देखो कॉस वाई प्लस एक्स आ गया, फिर वाई साइन वाई है, वाई साइन वाई आ गया, और ब्रैकेट के बाहर वाई डैश है, वाई डैश आ गया। तो लास्ट लाइन हमने क्या लिख देनी है कि दिया हुआ समीकरण क्या है, अवकल समीकरण का हल है, यानी यह अवकल समीकरण का हल है, बस यहाँ पे इतनी लाइन हमने लिख देनी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जैसे बच्चों हमको बोल रखा है एक बार डिफरेंशिएशन करना है, सीधा हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन करने पर एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, और एक्स के सापेक्ष ही क्यों करते आ रहे हैं, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स का करेंगे बच्चों बन जाएगा एक, वाई का करेंगे बन जाएगा वाई डैश, टेन इनवर्स वाई का करेंगे, देखो टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, पीछे हम देख चुके हैं, क्लियर है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम किसका करेंगे, वाई का भी करेंगे,
अभी हमने किया था टेन इनवर्स वाई का, फिर हम वाई का करेंगे तो वाई का बन जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या गया, वन प्लस वाई डैश बराबर में वाई डैश बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम इस जो हमें लाना है, ठीक है, जो हमको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ से वन प्लस वाई स्क्वायर को हटाएंगे, बट्टे में है कहाँ जाएगा, गुणा में। तो वन प्लस वाई स्क्वायर, इधर हमारे पास वन प्लस वाई डैश बराबर में है वाई डैश, क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कराएंगे, देखो पहले एक की गुणा इन दोनों के साथ होगी, फिर वाई स्क्वायर की गुणा इन दोनों के साथ होगी, तो वैसे हम लिख लेते हैं वन, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास वन प्लस वाई डैश, फिर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वन प्लस वाई डैश बराबर में वाई डैश, वैसे का वैसे ही रखेंगे हम, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक की गुणा अंदर कराएंगे, वापस हमें वही मिलेगा वन प्लस वाई डैश, फिर प्लस अंदर वाई स्क्वायर जाएगा तो बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर में क्या है हमारे पास वाई डैश। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, देखो प्लस वन मिल गया हमको इधर, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर भी मिल गया हमारे पास, फिर वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश भी मिल गया। अब ये जो ये प्लस का वाई डैश है, अगर हम इसको बराबर के उधर ले जाएं तो बन जाएगा माइनस का वाई डैश, और उससे हमारा ये और ये वाला जो है खत्म हो जाएगा। तो जो हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग देखो, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर वाई डैश आ गया, फिर वाई स्क्वायर चाहिए तो ये जो वाई स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, फिर जो ये प्लस वन है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस वन, ठीक है। और जो ये वाई डैश है प्लस का बराबर के इधर लाएंगे तो बन जाएगा जीरो, प्लस वाई डैश है इधर आएगा माइनस वाई डैश बन जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ बच्चों जो हमको प्रूफ करना था या दिखाना था वो हमारा आ चुका। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिख देनी है कि यह है अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिखाना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे कहा है जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो माइनस ए और प्लस ए में है, ठीक है। और फिर हमें लाना है क्या है, एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, यानी हमको लाना है एक्स प्लस वाई और फिर वाई डैश बराबर जीरो, ये हमको लेकर के आना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम रूट को हटाएंगे, रूट को हटाने कैसे हटाएंगे, देखो समीकरण जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं इधर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हटेगा क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट इसलिए हटा दिया क्योंकि हमको रूट की जरूरत नहीं है, जो हमको लाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर किधर लाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब एक साथ आ जाएंगे हमें चाहिए एक्स प्लस वाई चाहिए ना, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये बन जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ए आपका कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का बन जाएगा देखो टू एक्स, फिर एक्स का करेंगे एक बन जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का करेंगे टू वाई बन जाएगा, और फिर वाई का करेंगे वाई का बन जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट यानी जीरो बन जाएगा। फिर यहाँ से हम दोनों को क्या कॉमन मिल जाएगा, हमको कॉमन मिल जाएगा यहाँ से दो, दो कॉमन निकालते हैं बन जाएगा देखो एक्स प्लस वाई वाई डैश बराबर में देखो दो गुणा में है बराबर किधर लाएंगे जीरो बन जाएगा, तो एक्स प्लस वाई वाई डैश बराबर जीरो गुणा में दो बराबर किधर लाया बट्टे में चले गया। तो जो हमें लाना है देखो वो इस फॉर्म में है वाई डैश नाउ करके इसको लिखा है डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में जीरो, हमको क्या आना था, ठीक है, मैच कर सकते हैं आप एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर जीरो। तो लास्ट लाइन आपने लिख देनी है कि क्या लिख देना है कि यह अवकल समीकरण का हल है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 12 बहुत ज्यादा इजी है, टिक मार्क करना आपको सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 11 12 में सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बस इसको आपने ध्यान से सुन लेना है। तो जैसे इसमें हमको बोल रखा है कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या बतानी है, तो सिर्फ आपने ये दो शब्दों को समझ लेना है, एक है आपका व्यापक हल, ठीक है, और एक इसी में अगर हम चले आगे
विशिष्ट हल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं विशिष्ट हल। अब इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 12 में अगर हम बात करें तो पूछा है स्वच्छ आचरों की संख्या पूछी है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो स्वच्छ आचर है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है स्वच्छ आचरों की संख्या बतानी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है बट एक जगह आपको दिख रहा है व्यापक हल और एक जगह देखने को मिल रहा है विशिष्ट हल। तो इन दोनों में बच्चों सिर्फ अंतर इतना ही है कि व्यापक हल में, ध्यान रखना कि व्यापक हल में, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, व्यापक हल में जितनी कोटि वाला अवकल समीकरण होगा, यहाँ पर कितनी कोटि का अवकल समीकरण है, चार, तो जितनी कोटि वाला अवकल समीकरण होगा उसमें स्वच्छ आचरों की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे चार कोटि वाला है तो स्वच्छ आचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार। ठीक है, और अगर तीन कोटि वाला होता तो उसके स्वच्छ आचरों की संख्या कितनी हो जाती, तीन। दो कोटि वाला होता, यानी कोटि की बात करें, अभी जैसे चार कोटि वाला दे रखा है, तो ये बन जाता आपका डी फोर वाई अपॉन डी एक्स टू पावर फोर, ये हो गया चार कोटि वाला। तीन कोटि वाले की बात करें तो ये बन गया तीन कोटि, दो कोटि की बात करें ये आपका बन गया द्वितीय कोटि, और प्रथम कोटि का ये बन गया। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बताना है जब व्यापक, मेन याद रखना आपको व्यापक हल, व्यापक हल में जितनी कोटि होगी, जितने कोटि का आपका अवकल समीकरण होगा उतने ही स्वच्छ आचरों की संख्या होगी। यहाँ पर स्वच्छ आचर कितने हैं, चार, व्यापक हल, व्यापक हल। ठीक है, कोटि की संख्या चार, यहाँ पर कोटि की संख्या तीन, कोटि की संख्या दो, कोटि की संख्या एक। ठीक है, चतुर्थ कोटि, तृतीय कोटि, द्वितीय, प्रथम कोटि, आचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार तीन दो एक। ठीक है, सेम यहीं पर तीन कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ आचरों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, स्वच्छ आचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी दोनों में आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चों, डी नंबर, इसमें चार और उसमें भी आ जाएगा जीरो। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये जो एक्सरसाइज है 9.2 होती है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये लास्ट जो 11 12 नंबर है वो आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि क्या कहते हैं इसमें, व्यापक हल आपको क्लियर हो गया, जितनी कोटि का होगा उतने ही आपके स्वच्छ आचर होंगे। विशिष्ट हल में क्या रहेगा, भले ही कोटि कितनी हो इसके स्वच्छ आचरों की संख्या क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, आई होप बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो प्रीवियस वीडियो है या जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सबका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाता है, ऊपर आई बटन पर मिल जाता है, तो जरूर प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।